500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। लाखों श्रद्धालु आज वहां पर दर्शन कर रहे हैं। अब मथुरा, काशी और लक्ष्मण टीला का मुद्दा भी कोर्ट पहुंच चुका है। लखनऊ के पक्का पुल के नीचे से निकलने वाली गोमती नदी के ठीक बाएं साइड में टीले वाली मस्जिद बनी हुई है। इसको हिंदू पक्ष ने लक्ष्मण का टीला बताते हुए अपना हक मांगा है और अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार यानी 28 फरवरी को एडीजे प्रथम की कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को तगड़ा झटका मिला। मुस्लिम पक्ष की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य मान लिया। अब निचली अदालत में इनका मुकदमा चलेगा। वहीं कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष अपनी जीत होने का दावा कर रहा है। ये मुकदमा काफी पुराना है। टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीला का मुकदमा साल 2013 से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी यह सवाल बरकरार है कि आखिर सच्चाई क्या है। हम सवाल के तह तक जाने की कोशिश करते हैं, दोनों पक्षों से उनके दावे जाने, और यूपी के पूर्व राज्यपाल ने भी टीले वाली मस्जिद का जिक्र अपनी किताब में किया था और कई दावे, इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। हिंदू पक्ष के पक्षकार वकील नृपेंद्र पांडे कहते हैं कि जिसे मुस्लिम पक्ष टीले वाली मस्जिद कहता है वो हकीकत में लक्ष्मण का टीला है। उन्होंने कहा कि शेषनाग अवतारी भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी द्वारा शहर को बसाया गया था, वहीं गोमती नदी के किनारे टीला था। पक्षकार ने बताया कि औरंगजेब के जमाने में लक्ष्मण टीला को ध्वस्त कर दिया गया था। औरंगजेब ने पहले राम जी के मंदिर को ध्वस्त किया, फिर यहाँ लक्ष्मण टीले को ध्वस्त किया। इसके बाद यहाँ एक मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्षकार का कहना है कि उस मस्जिद में हमारी पूजा पाठ पहले से हो रही थी। साल 2001 में हजारों बलवाइयों ने वहां जाकर दंगा किया और हमारे मंदिर टीलेश्वर महादेव को तोड़ दिया था। शेष नागेश पाताल कूप को भी ध्वस्त कर दिया गया था। वकील नृपेंद्र पांडे ने कहा कि पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में साल 2022 में एक याचिका दाखिल की गई थी। हमें पूजा पाठ से क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि जब हम लोग वहां पूजा पाठ करने गए थे तब मुस्लिम पक्ष के द्वारा अभद्रता की गई थी। इसी को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। 7/11 में मुस्लिम पक्ष अपर अदालत में गया। उसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया कि ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें कारण स्पष्ट नहीं है। इसी पर कोर्ट का निर्णय आया और हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने योग्य कोर्ट ने माना। टीले वाली मस्जिद के मौलाना फजुल मुन्नान का कहना है कि ये अंग्रेजों की साजिश थी। वो ये प्रोपेगेंडा छोड़ गए जिससे हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि एक पक्के पुल के पास लक्ष्मण टीला है और दूसरा बख्शी का तालाब में भी लक्ष्मण का टीला है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ये टीले वाली मस्जिद वर्ल्ड फेम है। टीले वाली मस्जिद का मामला हो, ज्ञानवापी का मसला हो या फिर ईदगाह मथुरा का प्रकरण हो, इस तरह से उनके जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो मस्जिदों के ऊपर बने हुए हैं, ये पूरी तरीके से कहना गलत है। लोगों को लड़ाने की बात है। मौलाना फजलुल मुन्नान कहते हैं कि मैं इन बातों का खंडन करता हूं। साथ ही कहा कि अगर उन्हें तोड़कर बनाया जा रहा था, जब तोड़ा जा रहा था तो आप कहां थे? टीले वाली मस्जिद का प्रकरण 2013 से कोर्ट में चल रहा है। वकील हरिशंकर जैन ने साल 2013 में मस्जिद पर लखनऊ कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने अपना हक मांगते हुए याचिका में दावा किया था कि ये पूरा परिसर शेष नागेश टीलेश्वर महादेव का है, इसीलिए यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ करने की इजाजत देने की मांग की गई। साथ ही याचिका में मस्जिद को हटाकर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इसके बाद साल 2018 में मस्जिद परिसर में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव ने लखनऊ नगर निगम को प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव में मस्जिद के पास 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन मुस्लिमों के विरोध के बाद मामला शांत पड़ गया था। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण टीले पर मौजूद गुफा को तोड़ दिया था। जानकारों की माने तो लक्ष्मण टीले पर एक शेष गुफा थी जिसे बार बार तोड़े जाने के कारण इस जगह पर टीला बन गया था। इसके बाद ही इसका नाम लक्ष्मण टीला पड़ा था। इसके बाद 1659 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने टीले वाली मस्जिद बनवाई थी। इसका जिक्र पूर्व सांसद लालजी टंडन की किताब अनकहा लखनऊ में भी मिलता है। 1901 में अंग्रेजों के कब्जे से मस्जिद छुड़वाई गई। शाह पीर मोहम्मद पहले से यहाँ रहते थे।
मस्जिद से थोड़ी दूर पर उनकी कब्र यानी दरगाह भी है। टीले पर स्थित होने की वजह से इसका नाम टीले वाली मस्जिद पड़ गया। टीले वाली मस्जिद में 3 गुंबद, 1 ऊंची मीनार है जो कि दूर से ही दिखाई देती। मस्जिद उठे हुए चबूतरे पर ईंट और पत्थर से बनी है। वहीं मस्जिद परिसर में लगे इमली के पेड़ पर करीब 40 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। टीले वाली मस्जिद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाही भी बना था। लखनऊ के पूर्व सांसद और राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी किताब में मुस्लिम समुदाय पर भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के शहर का नाता तोड़ने का आरोप लगाया था। लालजी टंडन ने अपनी किताब में लिखा कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान राज्य की राजधानी सबसे बड़ी सुन्नी मस्जिद का निर्माण लक्ष्मण टीला पर किया गया था, जो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बनाया गया था। एक ऊंचा मंच था। किताब इस वजह से राजनीतिक विवाद में घिर गई थी। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि टीले वाली मस्जिद हमारा लक्ष्मण टीला हुआ करता था। यहाँ पर 8-9 हिंदू परिवार भी रहा करते थे, लेकिन उनका सामान फेंकवा कर उस पर जबरन कब्जा कर लिया गया था और हिंदू परिवारों को वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद सपा सरकार में उसे टीले वाली मस्जिद बनाकर वक्फ से कब्जा कर लिया गया था। उसी की लड़ाई 2013 से चल रही। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने और समझने और सबूतों के आधार पर तय करेगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे NBT ऑनलाइन। नमस्कार।